दोस्तों ये पल्सर 150 है, 2014 मॉडल है। इसके जो डिस्क पैड हैं वो लगभग घिस चुके हैं, तो नए डिस्क पैड लगाएंगे। तो ये जो है मैंने जो बजाज सर्विस सेंटर है वहीं से ही परचेज़ कर लिए थे पहले ही दो तीन सेट इसके, और 160 रुपये का पड़ा था। यहाँ पर MRP 172 रुपये है। और लोगो आप देख लें कि किस तरीके से है, किस कलर का है, और जो कोड है वो इस तरीके से है JW13 1807। 12 नंबर की आपकी सॉकेट लगेगा यहाँ पर। नहीं होते इसके जो नट हैं इतने का ही होते हैं जो, और आपने पीछे की तरफ इसको निकाल देना है ऐसे करके, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये इसमें एक एलन की 5 नंबर की लगेगी। एलन की से जो है जोर लगता है यहाँ पर, तो आपने सपोर्ट ले लेनी है किसी चीज़ से। ये देखिए ये नट इस तरीके से बाहर आ गया है। और जो डिस्क पैड हैं देखिए पूरे तकरीबन घिस गए हैं पूरी तरीके से। नया डिस्क पैड है वो देखिए आप कितनी मोटाई है, और जो पुराना वाला है वो पूरी तरह से घिस चुका है। तो अब हम इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। ये वाला रेंच इसे तोतिया रेंच कहते हैं। ये जो है इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें, और वहाँ से आप इसकी पकड़ कर सकते हैं। ये पूरा खुल जाता है इसका मुंह, और जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये नीचे जाएगा। ये देखिए क्योंकि हाथ से दबाना थोड़ा मुश्किल है इसको। और देखिए जो दोनों पिस्टन है वो नीचे बैठ गए हैं, तो आपने अब इन्हें अपनी जगह पर फिट कर देना है। बीच का जो स्पेस है यहाँ पर ये वाला चक्का बैठेगा, तो थोड़ा सा आपने स्पेस रख देना है। तो थोड़ा सा टाइट करने के लिए आपने ये चक्के का सहारा भी ले सकते हैं, या आपके पास जो भी उपयोगी चीज़ हो उससे ले सकते हैं। मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर का है तो इसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो टाइट हो गया है अब, और इसको आपने अब इस चक्के में बिठा देना है। तो अब ये टाइट हो चुका है। ये जो इसके डिस्क पैड ख़राब हो चुके थे इनको अब किसी काम के नहीं है, तो अब चेक करेंगे इसको। तो ये काम अब हो चुका है, आप घर बैठे जो है कर सकते हैं। आपको डिस्क पैड लाना पड़ेगा, आपको जो खर्चा है वो यहाँ से वहाँ पर जो सर्विस सेंटर है कहीं पर भी ले जाने के लिए, बस आपके पास 12 नंबर का जो सॉकेट सेट है वो चाहिए होगी गोटी, और साथ में तोतिया रेंच, और आपका काम जो है हो जाएगा। तो लाइक तो बनता है।